हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये ड्रामा काफी पसंद आएगा। सो इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की शुरुआत के साथ हमें हमारी मेन लीड एक्ट्रेस रैन को दिखाया जाता है जो कि एक सैलून में आई होती है अपने बाल धुलवाने के लिए। यू नो, अमीर लोग के चोचले घर में बैठ के बाल भी नहीं धुल सकते खुद से। यहाँ पे स्टाफ रैन को अंदर तक लेके जाते हैं और उसे वेट करने के लिए कहते हैं और कुछ सेकंड बाद ही यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि उसके हेयर वॉश करना चालू कर देता है और यही बंदा हमारा मेन लीड एक्टर होता है जिसका नाम होता है शाओहेंग। और यहाँ वो हेयर वॉश करते समय रैन से पूछता है कि क्या पानी का टेम्परेचर ठीक है और तब जाके उसकी आवाज सुन के रैन को पता चलता है कि उसका हेयर वॉश करने के लिए एक लड़का आया हुआ है और इस बात से वो थोड़ी शॉक्ड होती है और उसे पूछती है कि क्या यहाँ पे सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, जिसपे वो उसे बताता है कि नहीं, यहाँ पे फीमेल स्टाफ भी है और हम सारे स्टाफ का अपना अपना नंबर है। और रैन के पूछने पे वो उसे अपना नंबर 33 बताता है, जिसके बाद रैन उसे कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने पहले ऐसा कहा है कि तुम्हारी वॉइस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनने के बाद शाओ हंसने लगता है और उसका हेयर वॉश करके वहाँ से चला जाता है और रैन उसके जाने के बाद सोच रही होती है कि नंबर 33 ये नंबर मैं अच्छे से याद रखूंगी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं और रैन अपने कमरे में होती है पर रोज रात को उसे सपना आता है जिसमें उसे शाओ की आवाज ही सुनाई देती है और अब वो उसे बुरी तरीके से मिस कर रही होती है और इसलिए वो उससे दोबारा से मिलने के लिए सैलून वापस आ जाती है और वहाँ पहुँचकर स्टाफ को बताती है कि उसे नंबर 33 से ही हेयर वॉश करवाना है। फिर वो अंदर जाके वेट कर रही होती है पर यहाँ पे एक लड़की उसका हेयर वॉश करने के लिए आती है। रैन ये देख के काफी डिसअपॉइंटेड होती है और वो स्टाफ के पास जाके पूछती है कि मैंने तो नंबर 33 को बुलाया था, तो ये लड़की कहाँ से आ गई, जिसपे स्टाफ से उसे पता चलता है कि नंबर 33 यही लड़की है। ये सुनने के बाद रैन वहाँ से उदास होकर जाने लगती है पर तभी एक एम्प्लॉय उसे रोकती है और उसे पूछती है कि क्या तुम शाओहेंग को ढूंढ रही हो और रैन को बताती है कि एक्चुअली मैं वो यहाँ पे काम नहीं करता है और उस दिन कुछ इमरजेंसी की वजह से ये लड़की काम पे नहीं आई थी, तो मैंने हेल्प के लिए शाओहेंग को काम पे बुला लिया था। और साथ ही उसे बताती है कि शाओजी विलेज में शाओ का खुद का सैलून है। तो रैन ये जाने के बाद उसे थैंक्स कहती है और वो टैक्सी में बैठ के तुरंत ही विलेज के लिए निकल जाती है। और रैन इस विलेज में पहुंचने के बाद लोगों से पूछती है कि यहाँ पे सैलून कहाँ है। वहीं दूसरी ओर हमें शाओहेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सैलून में होता है और अपनी कैट के लिए एक घर बना रहा होता है और तभी यहाँ पे रैन आ जाती है और शाओ यहाँ पे उसे नोटिस करता है और रैन यहाँ पे शाओ को देख के काफी खुश होती है और उसे देख के स्माइल कर रही होती है। तो शाओ यहाँ पे उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम्हें हेयर कट कराना है, जिस पर रैन उसे कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ हेयर वॉश कराना है। जिसके बाद शाओ उसे अंदर लेके आता है और उसके हेयर वॉश करना स्टार्ट करता है और इस दौरान रैन तो सिर्फ शाओ को ही घूर रही होती है क्योंकि वो उसे कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। फिर फाइनली हेयर वॉश करने के बाद शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें हेयर कट भी करवाना है, जिसपे रैन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हेयर कट करना आता है, जिसपे शाओ उसे कहता है कि मैं हेयर कट कर सकता हूँ। तो रैन उसे कहती है कि इसका क्या मतलब है कि क्या तुम्हें हेयर कटिंग करना अच्छे से नहीं आता है, जिसपे शाओ उसे कहता है कि मेरा कट हुआ हेयर अच्छा दिखेगा। तो सुनने के बाद रैन उसे कहती है कि ठीक है, तो मेरा हेयर कट भी कर दो। तो यहाँ पे शाओ अपना काम शुरू करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और शाओ से उसके साथ लंच पे चलने के लिए कहती है, जिसपे शाओ उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहता है, जिसपे ये लड़की ये कह के वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। पर रैन की नजर तो उस लड़की की चाल ढाल पे ही होती है। तो शाओ उसका सिर सीधा करता है और अपना काम करना स्टार्ट करता है और उसका हेयर स्टाइल कम्प्लीट कर देता है। तो रैन उसे पूछते है की आखिर पेमेंट कितनी करनी है, तो शाओ से काफी वियर्ड जवाब देता है की तुम्हारी जितनी मर्जी हो। तो शाओ से यहाँ पे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर देती है और वो नोटिस करती है की शाओ यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है और यहाँ पे रैन को एक काफी ब्रिलियंट आइडिया आता है और वो जानबूझकर अपना फोन यहाँ पे छोड़कर चली जाती है। और फिर फाइनली रैन टैक्सी से अपने घर पहुँचती है जहाँ पे वो अपनी केयर टेकर को एक पड़ोसी से बात करते हुए देखती है और फिर रैन जाके अपनी केयर टेकर से मिलती है जहाँ पे उसकी केयर टेकर उसे पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थी, क्योंकि उसकी मॉम बार बार उसे कॉल करके पूछ रही थी कि रैन अभी तक कहाँ है और वो अपना कॉल पिक क्यों नहीं कर रही है, जिसपे रैन उसे एक्सक्यूज देती है कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और इसलिए मैं कॉल नहीं पिक कर पाई। और ये सब बताने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है पर वो अपने रूम से ही सीक्रेटली अपने मॉम और केयर टेकर के बीच की बातें सुनती है, जहाँ पे केयर टेकर रैन की मॉम को रैन के बारे में सारी बातें बता रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, मैं रैन को उसकी मेडिसिन टाइम पे दूंगी और उसे घर से बाहर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और ये बात सुनने के बाद रैन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम इसी तरीके से उसे इन 4 दीवारियों में कैद करके रखना चाहती है और रैन यहाँ पे सोचने लगती है कि उसे कल कोई बहाना बनाना होगा बाहर जाने के लिए। और तभी यहाँ पे रैन को एक डिलीवरी बॉक्स दिख जाता है और उसे एक आइडिया आता है और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि रैन ये बॉक्स लेके अपने केयर टेकर के पास जाती है और उसे बताती है कि गलती से ये बाजू वाले अंकल का पार्सल हमारे यहाँ आ गया है। तो केयर टेकर ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं ये बॉक्स उन्हें वापस दे आऊंगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि केयर टेकर वो बॉक्स लेके पड़ोस के अंकल के यहाँ जाती है और इस दौरान रैन उन पे नजर रखी होती है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो बॉक्स उन अंकल का नहीं है। पर यहाँ पे वो बंदा केयर टेकर को अपने साथ लंच करने के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए केयर टेकर हाँ कर देती है और थोड़ी देर बाद आनी को कहती है। ये सब कुछ रन देख रही होती है और खुश हो रही होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है और फिर जल्दी से अपने रूम में आके सोने की एक्टिंग करने लगती है। और फिर जब केयर टेकर उसके लिए यहाँ पे सूप लेके आती है तो वो देखती है कि रैन ऑलरेडी सो चुकी है और उसे एक अच्छा मौका मिलता है उस अंकल के साथ लंच पे जाने का। केयर टेकर के जाते ही रैन जल्दी से उठती है और तैयार होकर अपने घर से निकलती है और टैक्सी से फाइनली विलेज पहुंच जाती है। फिर वो जल्दबाजी में दौड़ते हुए शाओहेंग के घर जा ही रही होती है कि वो रास्ते पे फिसल के गिर जाती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे सैलून पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है और शाओहेंग उसे देख के दरवाजा ओपन करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अपना फोन लेने आई हो, जिसपे रैन हाँ कहती है। तो शाओहेंग उसे उसका फोन दे देता है और क्योंकि रैन पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी होती है तो इसलिए शाओ उसे टॉवल देता है और वापस जाने के लिए उसे एक अम्ब्रेला देता है और तभी नोटिस करता है कि उसके हाथ पर चोट लगी है। तो रैन उसे बताती है कि बारिश के कारण रोड काफी स्लिपरी हो गई है और यहाँ पे आते वक्त मैं वहाँ पे गिर गई थी। तो ये सुनने के बाद शाओ उसे अम्ब्रेला ले लेता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर रैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद ये दोनों ही साथ में जा रहे होते हैं कि तभी रैन उससे पूछती है कि क्या आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ लंच करने के लिए नहीं आई। तो शाओ यहाँ पे उसके सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो रैन उसे कहती है कि मैं उसी ब्यूटीफुल लड़की की बात कर रही हूँ जो कि कल सैलून में आई थी तुम्हारे साथ लंच करने के लिए। तो शाओ थोड़ा सोचने के बाद उसे कहता है कि नहीं आज वो नहीं आई और ये सुनने के बाद रैन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती है क्योंकि शाओ ने मना नहीं किया और वो सोचने लगती कि सच में वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी शाओहेंग का दोस्त उन्हें वहाँ पे देख लेता है और शाओ का मजाक उड़ाने लगता है कि इतने सालों तक सिंगल रहने के बाद अब वो फाइनली किसी को डेट कर रहा है और शाओ से कहता है कि क्या अपनी गर्लफ्रेंड को तुम मुझसे मिलवाओगे नहीं। तो शाओ से कहता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो रैन यहाँ पे उसे अपना नाम बताती है और उसे बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि एक कस्टमर हूँ और अपना फोन भूल गई थी तो वही वापस लेने आई हूँ। तो शाओ का फ्रेंड भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे बताता है कि मैं शाओ का बेस्ट फ्रेंड हूँ और ये रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ के साथ चलाता हूँ, तो कभी तुम्हें अच्छा लंच करना हो तो तुम यहाँ पे आ सकती हो, मुझे यकीन है कि शाओहेंग तुम्हें जरूर ट्रीट देगा। ये सुनने के बाद शाओ थोड़ा इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से खुद से जा सकती हो, जिसके बाद रैन उसे कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला कल लौटा दूंगी, जिसपे शाओ उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर रैन यहाँ से चली जाती है और जल्दी से अपने घर पहुँच जाती है और केयर टेकर को घर की तरफ जाते ही देखती है तो वो पीछे के दरवाजे से घर में एंटर कर लेती है और अपने रूम में विंडो के पास खड़ी होती है। पर तभी अचानक से उसकी मॉम उसे सरप्राइज देती है और वो मॉम को देख के शॉक्ड हो जाती है और उनसे कहती है कि आखिर आप कब आएं। तो उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि तुम्हारा बर्थडे है तो मेरा आना तो जरूरी ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।